हमने इसको स्कैल्प के अंदर लगाना है जैसे आपकी ये, बिल्कुल ओके इसी तरह से ये स्कैल्प के साथ, ये देखिए हमें इसको अपने स्कैल्प के अंदर इस तरह से ओके पुश करने और बाद में उसको अपने स्कैल्प के अंदर हमने मसाज करना। ओ वाओ, और ये इस इसके एप्लीकेटर अच्छा, की सबसे और ये कितना कोई लगाना है जैसे ये एप्लीकेटर के साथ? जस्ट टू पंप्स। अच्छा है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज वेरी गुड। नहीं तो हाथ भी नरम हो गए। आप इसको लगाकर अपने ऑफिस में भी जा सकते हैं, अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं। तो जज्ब हो गया, इट्स नॉट जस्ट लाइक ऑयली वॉयली तो है ही नहीं, ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं इसका मतलब? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें आप लोग जैसे रूटीन में स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों के बालों पे डेली स्टाइलिंग का एक इम्पैक्ट आता है, हीट का एक इम्पैक्ट आता है, तो आपको उसको बालों की केयर भी तो करनी है ना। अरे वाह, तो उसके लिए ये एसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड से बना है। अच्छा ठीक। इसमें कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। हाँ। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है कि हमने किसी भी केमिकल से इसको नहीं बनाया हुआ। अच्छा। ठीक है, और ये एसेंशियल ऑयल्स के साथ हम इसको बनाते हैं। ग्रीसी ऑयल ही नहीं है ये? नहीं, ग्रीसी नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छे मेहमान हैं, आज एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपके सामने, और वो प्रोडक्ट बड़ा कारआमद है, बड़ा अच्छा है, आजमूदा है, और जो जो चीज़ें इनकी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी मार्केट में जो हैं बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं इनकी चीज़ों को। और एक होता है ना कि अच्छी नीयत के साथ कोई प्रोडक्ट बनाए, इंट्रोड्यूस कराए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का प्रोडक्ट, कोई ऑर्गेनिक कोई ऐसी चीज़, वो एक तोहफा होता है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें से एक ऐसे शख्स हैं हमारे पर पहले भी आ चुके हैं, खुद भी इंसान भी बहुत अच्छे हैं, देखने में भी प्यारे हैं, प्रोडक्ट भी बड़े प्यारे प्यारे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास हैं शेख रोहेल जो कि CEO हैं सुकून वेलनेस से। तो आज हमारे पास से जो ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो, तो हम सबसे पहले सुहेल को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त। ये देखें इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर लोगों की ज़िंदगी में सुकून लेकर आ जाते हैं, बताएं ना कुछ। हमारा तो विजन ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को चेंज करें, वी चेंज लाइव्स, तो सुकून के थ्रू लोगों की ज़िंदगियों को आसान करें और चेंज करें। तो व्हाई यू चूज़ द नेम द सुकून? एक्चुअली मैं हमेशा ये बताता हूँ कि सुकून इज़ एन इमोशन। Wow. और जब आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि सब लोगों को सुकून पहुंचाया जाए किसी तरीके से, तो प्रोडक्ट्स के थ्रू किसी ना किसी तरह से हम लोगों को सुकून। कितने साल हो गए आपको ये प्रोडक्ट्स जब आपने लॉन्च किए थे? पहला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च किया था? हमें 2 साल हो गए, हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो जॉइंट्स पेन के लिए था। मतलब आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी जॉइंट पेन हो रहा है, आपको जॉइंट टोन यूज़ करना है, विद इन 5 to 10 minutes आपको रिलीफ मिलता है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद पूरी एक्सटेंशन लाइन हम लोगों ने बनाई फिर। वाह, और माशाल्लाह आपको इतनी अच्छी फीडबैक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज क्योंकि सर्दियां भी हैं, खुश्क मौसम शुरू हो जाएगा, हल्की हल्की मीठी मीठी अब लगती है सुबह सर्दी, आपको भी पता है क्योंकि मैं तो बहुत ही जल्दी उठकर आती हूँ। तो विंटर्स के जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं डैंड्रफ, बाल फ्रीजी हो जाते हैं, हेयर फॉल भी डैंड्रफ की वजह से आपको पता बहुत ज़्यादा होता है, इचिंग का प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपका एक प्रोडक्ट है जो आपने लॉन्च किया है, मैं चाहती हूँ मार्केट में सबको पता चलना चाहिए, मुतारिफ कराइए प्लीज़। जी बिल्कुल। सर्दियों में जैसे आपने बताया तो डैंड्रफ मेन इशू होता है, जब डैंड्रफ आता है उसके अंदर इचिंग, स्कैल्प आपका जो है वो उसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, और सर्दी का इम्पैक्ट रहता है। हम लोग रूटीन में आपको पता है कि वॉश करने से भी थोड़ा सा वो करते हैं कि यार रोज़ रोज़ जो है ना हम इसको वॉश करने से भी वो रहते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम, मतलब ये पूरा ट्रीटमेंट है, ये एक ऑयल नहीं है। लाइक मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ आप डैंड्रफ के लिए यूज़ करें, या ये सिर्फ आप हेयर थिनिंग के लिए यूज़ करें, या हेयर फॉल के लिए यूज़ करें, आपके बालों को पूरा ट्रीटमेंट देता है, पूरा नरिशिंग ट्रीटमेंट देता है। वाओ यस। अच्छा तो दिखाएं जरा इसकी क्या टेक्सचर क्या है, इसकी बॉटल कैसी है? बिल्कुल, इसका बहुत ही ईजी और हैंडी एप्लीकेटर है। आपको ये इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है। ओके। और दिस इज सील्ड। आपको ये क्या है, ये बिल्कुल इसका एप्लीकेटर है, खोल के इसको आपको खोलना है और अपने स्कैल्प के अंदर इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अच्छा, कैन आई सी द उसका? ओके। आप इसका टेक्सचर देखेंगे, ये इरिटेटिंग नहीं है, इसकी स्मेल देखेंगे। हेयर वॉश करके हाँ, हमने इसको रूट्स के अंदर लगाना है, हमने इसको स्कैल्प के अंदर लगाना है जैसे आपकी ये, बिल्कुल ओके। इसी तरह से ये स्कैल्प के साथ, ये देखिए हमें इसको अपने स्कैल्प के अंदर इस तरह से ओके पुश करने और बाद में उसको अपने स्कैल्प के अंदर हमने मसाज करना। ओ वाओ, और ये इस इसके एप्लीकेटर अच्छा, की सबसे और ये कितना कोई लगाना है जैसे ये एप्लीकेटर के साथ? जस्ट टू पंप्स। अच्छा है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज वेरी गुड। नहीं तो हाथ भी नरम हो गए। आप इसको लगाकर
अपने ऑफिस में भी जा सकते हैं, अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं। तो जज्ब हो गया, इट्स नॉट जस्ट लाइक ऑयली वॉयली तो है ही नहीं, ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं इसका मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें आप लोग जैसे रूटीन में स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों के बालों पे डेली स्टाइलिंग का एक इम्पैक्ट आता है, हीट का एक इम्पैक्ट आता है, तो आपको उसको बालों की केयर भी तो करनी है ना। अरे वाह, तो उसके लिए ये एसेंशियल ऑयल्स ब्लेंड से बना है। अच्छा ठीक। इसमें कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। हाँ। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है कि हमने किसी भी केमिकल से इसको नहीं बनाया हुआ। अच्छा। ठीक है। और ये एसेंशियल ऑयल्स के साथ हम इसको बनाते हैं। ग्रीसी ऑयल ही नहीं है ये, नहीं, बड़ी ये ग्रीसी बात नहीं है। ये अच्छा, और ये पूरी एक ट्रीटमेंट भी है साथ, पूरी पूरा हेयर ट्रीटमेंट सीरम। मतलब हम जो केमिकल वाले सीरम्स वगैरह लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से वाइट बाल हो जाते हैं, हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन पे कुछ लोगों को इरिटेट करता है तो फिर वो यू नो इचिंग भी होती है। ऑल दो हम सीरम तो बालों में लगा रहे होते हैं मगर लगते लगते लग जाती है कहानी। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब नेचुरल प्रोसेस से हम थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, सिंथेटिक की तरफ जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम तो करेगा, उसके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे। अच्छा। रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम के साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, इसके अंदर विटामिन ई ऑयल डाला जाता है, आर्गन ऑयल डाला जाता है, रोजमेरी ऑयल डाला जाता है, कैस्टर ऑयल डाला जाता है। रोजमेरी तो वैसी बालों को गिरने से बचाता है, और विटामिन ई जो है वो वैसी बालों की नरिशिंग शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। आर्गन तो चाहे मुंह के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, मतलब वो तो मुंह पे भी झुर्रियां आ जाए ना तो मैं कहती हूँ खत्म कर देता, तो बालों के भी जो आपके ब्रेकेज हैं चीजें हैं उनके लिए कितना अच्छा होगा, और बेस्ट मॉइस्चर देता है। नहीं अच्छा मुझे ये बताइएगा, इसमें ये लिखा हुआ है अप्लाई एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर वॉशिंग जो है, तो हमने इसको सर धोने से 30 मिनट पहले आपने इसको यूज करना है, उसके बाद आपने रिंस कर लेना। ओके जो लोग अगर हम वॉश नहीं करते सपोज, अगर हमने इसकी अच्छी मसाज की शावर से पहले, ठीक है, और हमने स्कैल्प में ही करना है ना या बालों में भी करना है? स्कैल्प में करना है, बालों में भी कर सकते हैं आप। अच्छा मेरे पास इतना शुरू हो गई है। अच्छा अच्छी तरीके से स्कैल्प में मसाज किया, उसके बाद हमने अगर 30 मिनट्स के बाद नहीं वॉश किया सपोज, हमने ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, शॉप पे जाना है, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर। आप देखें इसकी सबसे बड़ा इशू होता है हेयर ऑयल के अंदर जो इशू होता है वो फ्रेग्रेंस का होता है। इसकी तो खुशबू वैसे ही आपके मतलब बालों में से अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप जा सकते हैं, आप कुछ भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपना रूटीन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक है पूरा? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल प्रोसेस है, एसेंशियल ऑयल से बनाया जाता है। ठीक है। एसेंशियल ऑयल्स हमेशा प्लांट्स रूट्स एंड फ्रूट्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, उसको फिर ब्लेंड करके उसको प्रोसेस करके फिर इसको बनाया जाता है। ठीक है, 100% ऑर्गेनिक है इसकी, उसके अंदर नेचुरल होने के अंदर तो कोई वो तो रिहिल बता दें। चले मेरे पास तो ये डब्बा आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी भी तो मदद करनी है, मगर ब्रेक के बाद आपने सारा कुछ बताना है कि कहाँ से अवेलेबल है, किधर से ले सकते हैं, और आजकल मार्केट में ऑथेंटिक चीज़ें जो है ना उनका पता करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग एक ही प्रोडक्ट बिक रहा होता है तो लोग बहुत सारे ना प्रोवाइडर बन जाते हैं, दो नंबर चीज़ें मिल जाती हैं, तो यू हैव टू टेल अस द बेस्ट प्लेस जहाँ से हमें सही ऑथेंटिक ये मिल सके। ओके बिल्कुल, ये रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम जो है ये हमारी वेबसाइट glorify.com.pk पे अवेलेबल है, और मार्केट में भी तमाम फार्मेसीज पर, तमाम ग्रॉसरी स्टोर्स पर, तमाम हाइपर मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। इसको मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हम नॉर्मली जब रूटीन में मल्टीपल ऑयल्स को अलग अलग बाय करते हैं, लाइक हमने लेवेंडर ले लिया, हमने रोजमेरी ले लिया, कैस्टर ऑयल ले लिया, विटामिन ई ऑयल ले लिया, आर्गन ले लिया, जब आप उनको लेकर ख़ुद बनाने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट इससे 10 गुना आ जाएगी। एग्जैक्टली आपको उसके 10% कॉस्ट के अंदर आपको ये प्रॉपर एक पैकेज मिल रहा है, ठीक, और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। वाह, ये इसकी सबसे अच्छी और सबसे इसकी बड़ी यूनिकनेस है। ये कितने की है? 1650 जस्ट। अच्छा, फॉर 1 month। ओके, आपका ये 1 month चलेगा, पूरे एक महीने की ट्रीटमेंट, पूरे एक महीने है। और हम इसको अल्टरनेट डेज में लगा रहे हैं या फिर डेली बेसिस पे? आप इसको अल्टरनेट डेज में यूज कर रहे हैं? अल्टरनेट डेज में लगा रहे हैं। अच्छा, आपके इसके साथ के कोई ऐसे शैम्पूज वगैरह भी हैं जो आप रेकमेंड करते हैं जो हेयर फॉल को भी रोके, डैंड्रफ को भी रोके, इस तरह के फ्रीजी हेयर्स के लिए भी, या फिर आगे कोई फ्यूचर प्लान है तो बता दें। देखिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो शैम्पू आप नॉर्मल रूटीन में चला रहे हैं आप वही चलाइए। अच्छा, कोई इसके ऊपर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। ओके ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक शैम्पूज और इस तरह की ऑर्गेनिक केमिकल वाले, केमिकल फ्री जो है। हाँ, ये जो बाजारी केमिकल वाले शैम्पूज हैं मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी ज़्यादा ये स्कैल्प वगैरह के प्रॉब्लम्स लोगों को बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही उसी है। को देखते हुए आपने ट्रीटमेंट में ख्याल से इजाद की? हाँ बिल्कुल, देखें हमें पता नहीं है, वी आर नॉट हेयर डॉक्टर्स, हमें पता नहीं, हम अपने हेयर्स के साथ एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं। हम मॉल में गए, कोई अच्छा शैम्पू किसी की अच्छी पैकेजिंग नजर आई, हमने ले लिया, ये यूज़ करते हैं, अब उसके अंदर से क्या निकलेगा ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। जब आपको पता चलता है आपके बाल खराब हो चुके होते हैं। ऐसे ही है। हाँ। तो इस वक्त आपको पता है कि पानी का भी बहुत इशू है, वाटर का जो है बहुत बड़ा इशू है, चूँकि सॉल्टेड वाटर होता है उसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा
ख़राब होते हैं। हाँ। तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीज़ों को अपने इन व्यू रखते हुए हमने फिर इसको बनाया। अरे वाह, अरे वाह। और ये रिसर्च बेस्ड। एक और भी चीज़ साथ में शामिल करूंगी, क्योंकि आपकी इतनी नॉलेज है, रिसर्च है, आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, ये जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों को, और उसके बाद वो डार्क सर्कल्स जो यहाँ पर एक्नी, डार्क स्पॉट्स, पता नहीं जीप से पूरे चेहरे पे ना वो फैलना शुरू, थोड़े से डार्क सर्कल्स होते हैं वो चेहरे पे फैलना शुरू होते हैं, बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम। राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन किया आपने। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमने भी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज आई लाइट, उसका नाम भी आई लाइट है। वाओ। वो रोल ऑन एप्लीकेटर के अंदर आता है, आपको यहाँ पर उसको मसाज करना है रात में सोने से पहले, और विद इन वीक और 10 डेज आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि वो भी इसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, उसके अच्छा। अंदर भी कोई भी सिंथेटिक चीज नहीं है। वेरी नाइस, दैट इज ऑल्सो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। उसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑयल्स आपने यूज किए जो इसके लिए बहुत अच्छे हैं ड्राई के लिए? उसके अंदर लेमन ऑयल है, उसके अंदर लेवेंडर ऑयल है, उसके अंदर पेपरमेंट ऑयल है। पेपरमेंट ऑयल क्या करता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। लेमन ऑयल जो है स्किन ब्लीचिंग का काम करता है, व्हाइटनिंग का काम करता है। उसके अंदर ऑरेंज ऑयल है, उसके अंदर टी ट्री ऑयल है, जो एक्नी की आपने बात की है, एक्नी को कैटर करने के लिए, वो 7 एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है। अरे वाह, बिल्कुल। और उसकी जो यूजेज है दैट इज़ वेरी ईजी, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट, आपको सिर्फ उसका एप्लीकेटर खोलना है, यहाँ पर मसाज करना है, और आपका डार्क सर्कल्स का